हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंबिका, सुबह किचन की होस्ट। और आज मैं लेके आई हूँ कुछ हटके रेसिपी इस बार के मॉनसून के लिए, जो कि है पोटैटो बॉल्स की रेसिपी। इसे घर में बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी बनाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और बाउल में हम आलूओं को डालेंगे, जो कि मैंने उबाल कर मैश कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने 3 बड़े आलूओं का यूज़ किया है। अब हम इसमें 1 कप के करीब ब्रेड क्रम्स मिलाएंगे, 1 छोटा चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच के करीब हरी मिर्ची का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर यानी काली मिर्ची जिसे मैंने क्रश कर लिया है, और 1 चम्मच के करीब हम इसमें अब नमक मिलाएंगे। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे इसे बाइंड करने के लिए। तो इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को, और इससे अब हम स्मूथ डो बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्मूथ डो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब जो है हम स्लरी बनाएंगे। तो स्लरी बनाने के लिए हम एक बाउल में 2 बड़े चम्मच मैदा मिलाएंगे और 2 बड़े चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर। इसके बाद हम इसमें आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स मिलाएंगे, 1/4 चम्मच के करीब नमक मिलाएंगे, और 1/4 कप हम इसमें पानी मिला के इसकी स्लरी बना लेंगे। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प। अब हम पोटैटो बॉल्स को बनाएंगे। तो पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास डो है, स्लरी है और ब्रेड क्रम्स है। सबसे पहले हम डो से छोटी बॉल बनाएंगे, उसे डिप करेंगे स्लरी में और फिर उसे कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। इसी प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करेंगे। एक बॉल के लिए इन टोटल हमें 2 बार कोटिंग करनी है। तो ये देखिए, हमारी जो पोटैटो बॉल है वो बनकर रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए जितना भी डो है उससे हम छोटी छोटी पोटैटो बॉल्स को बना लेंगे। बॉल्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तो डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में ऑयल गरम किया है, और ऑयल गरम हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा डो का टुकड़ा डाला है। तो ये फ्लोट करके ऊपर आ गया है, इट मीन्स तेल जो है अच्छा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डीप फ्राई कर लेंगे पोटैटो बॉल्स को। यहाँ पे जो फ्लेम रखी है वो मीडियम लो रखी है मैंने, ताकि जो है बॉल्स हमारी अच्छी तरीके से सिक जाए। अगर आप हाई रखेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इन्हें आपको बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये बीच में चिपके ना। इन्हें चारों साइड से सेकना है आपको, जब तक कि इनका कलर गोल्डन ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बॉल्स का जो कलर है वो गोल्डन हो चुका है। अब हम इसे पैन से बाहर निकाल लेंगे। तो हमारी जो पोटैटो बॉल्स हैं वो बनकर रेडी हो चुकी है। किचन नैपकिन पे निकाल सकते हैं। पोटैटो बॉल्स को आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए सॉस और मेयोनीज के साथ, या फिर आप हरी चटनी का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।